फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आज मैं एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या अभी स्टार्ट किया है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए, तो दोनों ही चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये महिला और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। मैं बात कर रही हूँ आंवले की। आंवला बहुत इजीली मिल जाता है, कहीं पर भी मिल जाता है आपको। आजकल तो आंवले के जूसेस आने लग गए हैं, पाउडर आने लग गए हैं, कैंडीज आने लग गए हैं। कैंडीज में शुगर होती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, नेचुरल फॉर्म में लीजिएगा या फिर उसके आंवला के जूस को ले सकते हैं, आंवला का जो पाउडर आता है उसको ले सकते हैं। अगर बात करें बेनिफिट्स की तो एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, बट बहुत अच्छा बेनिफिट है फीमेल की यूट्रस की हेल्थ के ऊपर। जो महिलाएं इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पुरुष भी इसको ले सकते हैं, उनकी भी स्पर्म हेल्प में हेल्प करेगा कि स्पर्म्स की अच्छी हेल्थ होगी, जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल्स का वो भी अच्छा वर्क करेगा। बट अगर महिलाओं पे बात करें तो महिलाओं के ऊपर तो साइंटिफिकली भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं जितने भी बॉडी के अंदर गंदगियाँ हैं उसको निकालने में हेल्प करता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो आपका गर्भ है वो अच्छे से साफ होगा, यूट्रस की लाइनिंग जो शेडिंग है मतलब पीरियड्स अच्छे से आएगा, खुल के आएगा, सब जो गंदगी है बाहर निकल जाएगी, तो जो नई सेल्स होंगी, नई लाइनिंग बनेगी वो एकदम फ्रेश बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। उसमें इम्प्लांट होने का, बच्चा आके चिपकने का चांसेस अच्छा है, अच्छे से चिपकेगा, अच्छे से प्रेगनेंसी आगे चलेगी, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है यूट्रस हेल्थ के लिए। ये अगर किसी तरह की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है या अंदर किसी तरह का अंदर बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है तो उस सब में भी हेल्प करता है। किसी भी तरह की जो सूजन बेसिकली है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ ये यहाँ सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अगर डाइजेशन अच्छा होगा महिला का, उसको बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन वगैरह अच्छा है, तो उसकी वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी वाइटल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है अच्छे ओव्यूलेशन के लिए, अच्छी एग क्वालिटी के लिए, वो भी डायरेक्टली पहुँचेंगे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक और हेल्प करेगा आपका इनफर्टिलिटी को दूर करने में। ये बहुत बेनिफिशियल है, आपको इसको ऐड करना है अपनी डाइट में। आप इसको रेगुलर लेके देखिए, आपको हेल्प मिलेगी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। स्टडीज में, साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जब भी हम ये गूसबेरी या जो आंवला है, हिंदी में आंवला बोलते हैं, इसको जो महिलाएं कंज्यूम कर रही थी उनके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कम देखी गई। और अगर उनके अंदर इनफर्टिलिटी थी तो उनकी, क्योंकि जैसे जैसे टॉक्सिन्स रिमूव हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हार्मोनल इम्बैलेंस सही हुआ और अंदर की जो सूजन है वो कम हुई, इन्फ्लेमेशन कम हुआ, तो उन महिलाओं में प्रेगनेंसी जल्दी रुकी। तो अब अगर हम बात करें कि इसको लेना कैसे है, तो ये जो है आप नॉर्मल नेचुरल भी ले सकते हैं, बट इसका पाउडर आता है और इसका आप जूस भी मिलता है। आप 20 ml जूस ले सकते हैं, आप पाउडर ले सकते हैं 1 चम्मच। दोनों ही चीजें जो है आपको मॉर्निंग में लेनी है, एम्प्टी स्टमक लेनी है। इसका सेवन अगर आप सुबह के समय खाली पेट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि खाली पेट जब आप इसको सुबह ले लेते हैं तो ये बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है, और जब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है, तो फ्री रेडिकल्स जो कि आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स को डैमेज करते हैं वो सब निकल जाते हैं, तो आपका पूरे दिन आप जो चीज़ें खाते हैं वो बॉडी में डायरेक्टली अच्छे से लगती है और एग वगैरह की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी बनती है। तो आपको इसको मॉर्निंग में लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है, या तो 1 चम्मच पाउडर ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं, शहद में मिला के ले सकते हैं और उसके ऊपर गर्म पानी पी लीजिए, या आप 20 ml जो है इसका जूस पी सकते हैं और फिर थोड़ा सा, क्योंकि कड़वा टेस्ट लग सकता है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा पानी पी लीजिए गर्म पानी, पर मॉर्निंग में लेना है, खाली पेट लेना है। आप इसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। अगर आप बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए जूझ रहे हैं या आप अभी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको PCOD की, PCOS की प्रॉब्लम है या आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, आपके जो गर्भाशय की लाइनिंग है उसमें सूजन की दिक्कत रहती है, आपको इन्फ्लेमेशन है, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।